है ना बारात में, तो यहाँ जाया जाता है लोगों के, यहाँ नहीं जाएंगे तो आपके आपके अपने बच्चों की बारात में कौन जाएगा। खैर हमारी तो शादी हो चुकी थी, तो दो हजार सात में एक चीज हमारे घर में घटती थी, एक घटना, और वो ये कि मेरे पिता ये सोच के भैंसे खरीदते थे कि मैं अपने बच्चों के मुख से दूध नहीं जाने दूंगा, और जो लेते थे वो कुछ दिन बाद मर जाती। ठीक, एक बार साहस करके हमारे पिता ने 5-6 पशु लिए, उसमें 2 भैंसे ऐसी थी कि लास्ट जो कीमत होती थी पशु की वो 16,000 रुपये होती थी। कितनी? 16,000। नीम के साथ पीपल उजबा हुआ क्या? देख के आओ, नीम के साथ पीपल है क्या? तब वो ना बहुत गहरा था, उसमें रोड़ियां निकलती थी, तब मैंने रोड़ी में एक आकार देखा था आदमी के जैसा। उसके पास में हमने नीम का पेड़ बो दिया, तब 3-4 फीट भराव कर दिया, वहां पे खूटे गाड़ दिए, वहां पे भैंसे बनती है। वो जो आकार देखा था वो वाकई में था। तब 70 साल पहले वहां एक झंडू दत्त बाबा रहता था, वो उसकी समाधि थी। अब ये तो जानते हो क्या कहते हैं मुस्लिम दबाते हैं, और ये भी मानते हो कि कई बार हम किसी मजार के आसपास अगर पेशाब भी कर देते हैं तो वहां हमें झटका लग जाता है, बीमार हो जाते हो, बुखार चढ़ जाता है, तो उसका भूमि में निवास हो जाता है ना, इसका मतलब तो उसका भूमि में निवास हो गया उस महात्मा का। ठीक है, अब वहां जो पशु बनता था वो मर जाता था, और पशु वहां बदलते रहते थे नीम के नीचे, क्योंकि नीम के चारों तरफ छाया आती थी। हम बदलते थे कैसे कि दिन में इधर छाया है सवेरे, और दोपहर बाद उधर छाया है, ऐसे गोलाई में करके 4-5 खूंटे गाड़ कर बांधते थे, और वो नीम भी हमने खुद ही लगाया था। ठीक, तब उसके जो नीचे की जगह थी वहाँ पे खूंटा गड़, आप उस पर जो भैंस बंधे वे तो 16,000 की भैंस की बात बता रहा हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ कि भैंस अभी शाम को कोई लेने आने वाला है कि भाई भैंस को हमने बेच दिया, वो शाम तक ही मर जाती थी। आया समझ में? जो ये 2 भैंस थी, एक के मुंह से गोबर आने लगा और एक खड़ी होती और जैसे मिर्गी नहीं आती है ऐसे चक्कर खा के गिरने लगी, जो खड़ी होती चक्कर खा के गिरने लगी, उसको 11 दिन तक 12 दिन तक ऐसा हुआ। और हम दोनों भाई तूड़े की बोरी लेके, अच्छा वो खड़ी भी सेकंडों में ही होती थी, ऐसे जैसे बैठी गिरी और फिर खड़ी हो गई, गिरी और फिर खड़ी हो गई, फिर टाइम टू टाइम होने लगी, कमज़ोर होती चली गई और कमज़ोर होती चली गई, फिर भी लेकिन खड़ी होती रही जब तक मरी नहीं। और डॉक्टर 16,000 ले गया दोनों भैंसों के। हाँ कि ना? और दोनों ही 9वें-10वें मास में चल रही थी, मतलब ऐसे टाइम पे कष्ट आया था, एक के मुंह से गोबर आने लगा, डॉक्टर उसके भी पैसे ले गया। लास्ट में लवारे को यानी कि उसके बच्चे को बाहर निकाल के ये बोला, अब इसका मैं पैसा नहीं लूँगा। ठीक है, तब हमारे पापा बोले, अब भाई जितनी की भैंस थी उतना तो तूने ले लिया, डॉक्टर साहब भानी है, डॉक्टर भानी छावला का, भानी से भी पूछ सकते हो आप। बोला अब क्या रह गया, अब ये भी ले ले और 300 रुपये बनते हैं 500, ये भी ले, क्यों जी ऐसे। तब कितना दुख हुआ होगा मुझे ये पता है, हम दोनों भाई बहुत रोए थे, बहुत रोए थे हम दोनों भाई बैठ के एक कोने में। लेकिन जब भक्ति मिली, 2007 की बात है, जब मैं वहाँ गया तो जमीन से निकला बकायदा, जैसे आसमान में एक आदमी का एक टुकड़ा काट लो ऐसे आसमानी रंग का, ऐसे इतना था, और दीवार पार कर गया था एकदम से। उस दिन के बाद से हमने 7 भैंस रखी और गायें रखी 3, मेरे भाई ने मरी नहीं, अभी भी उसके पास एक गाय है, और वहीं पे घर बनाया जहाँ पे ये काम होता था, जहाँ पे एक काम हुआ था। तो तब मैं अपने ताऊ के पास गया, मैंने अपने पिता को सारी बात बताई, तब मेरे ताऊ ने बताया, उसने बताया कि शर्मा ही बता सकता है यह क्या था आखिरकार। तब ताऊ शर्मा ने बताया, अगर भाई तुम भी छोटे थे तेरे याद नहीं होगा, यहाँ झंडू दत्त बाबा रहता था। तब पापा ने कहा कि भाई यहाँ रहता तो था, वो तो मुझे पता है, हम आते भी थे खेलने, तो वो बहुत नीचाई की जगह थी, तो बहुत नीचा था। ठीक है, मतलब यूँ मानो कि 4 फीट तो हमने भराव किया और कुछ हमारे पूरे परिवार ने पहले ही कर दिया था। तो चीजें इतनी भारी भारी हो सकती हैं कि आपको नुकसान पहुंचा दे। एक साल बृहस्पतिवार का व्रत किया, तब एक साल तक नुकसान नहीं हुआ, ठीक तब भी नहीं हुए,
आगे ना कष्ट तब भी रहे झोली में। अगले एक बार एक गाय ले ली हमने, तो गाय वहाँ बनती थी, देखो वो महात्मा था, गाय को मार नहीं सकता था, लेकिन गाय कैसे कष्ट में आती थी, गाय खुद मरखा हो जाती थी, मारने लगती थी। वो गाय जो बिल्कुल इतनी सज्जन थी कि जिसके नीचे बच्चे खेलते थे वो खुद मारने लग जाती। बोलो जय शनिदेव। अलग अलग बैठ के अपनी अपनी साधना करो, चारों तरफ बैठ के कम से कम एक डेढ़ घंटा। मैं वहां जाके उधर से आता हूँ, अभी ये सीख है, फिर अपना जा नित्य करो। फिर भी किसी कोई शिकायत हो तो मुझसे मिलो, मुझसे बात करो, आपकी साधना में कोई बात आ रही हो तो मुझसे करो, लेकिन जो बताया जाए बस इतना करो। अभ्यास आपका धीरे धीरे होगा, एक दिन में सारे अभ्यास भी बन जाओगे, सारे पालकी भी बन जाओगे, ये बात याद। और जब मैंने बताया था तब यही कहा था कि केवल चार व्यक्तियों का जप होता है, ये नहीं कि सबका जप होता है। जो आपकी साधना में लोग पीड़ित हैं वे खुद अपना जप कर रहे हैं, उनके साथ शनिदेव महाराज हैं, वो उनको जप करते हुए देख रहे हैं, उनकी भी बला टलेगी। बहुतों की टल गई है, कईयों की तो टल गई है और कईयों की बाकी है, वो भी टल जाएगी। इसलिए जाप करो सारे के सब, दूसरे पे ध्यान ना दो, अपना समय ना गवाओ, ठीक है, अपने समय की कीमत जान, ठीक है, समय बार बार नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ बैठे हो, एक दिन हो सकता है साथ बैठने के लिए भी ला लेते, बोले शनिदेव महाराज की। जिनका हो गया जिनको।